अजमपि जनयोगं प्रापदैश्वर्य योगाद् अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणानां प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म यत्तन्नदोऽस्मि। भाष्यकार भाष्य समाप्ति पर शास्त्र प्रतिपादित पर ब्रह्म परदेवता है उस तत्व को अनुस्मरण करके आश्रित करके अर्थात तो अनुस्मरण करके तात्पर्य क्या होगा शास्त्र व्याख्यान की समाप्ति के पश्चात स्व अभिन्न स्वरूप को आरोपित जैसे गौड़पादाचार्य ने किया था अंतिम कारिका में उसी प्रकार से व्यवहार गोचरत्व का आपादन करके नमस्कार नमस्कार भाव को स्वीकार करता हुआ नमस्कार रूप मंगलाचरण का रचना करते हैं। यद ब्रह्म तन्नतोऽस्मि जो ब्रह्म है जो अशेष प्रसिद्ध प्रसिद्ध सर्वता सर्वपरिच्छेद रहित वह ब्रह्म को मैं अस्मि है ना अस्मि होने से अहम जुड़ेगा अहम अस्मि अहम जब प्रत्येक भूत चैतन्य हो मैं नमस्कार करता हूं न तो अस्मि। अर्थात उस पर ब्रह्म तत्व को स्वभिन्नत्वेन विषय करता हुआ प्रविभाव करता हूं प्रणाम का क्या प्रयोजन है कदे प्रणत भय निहंत्री प्रणाम करने का प्रयोजन है वह प्रणत भय निहंत्री हमे वह शरणत है तनो स्वामी वृण्णवत है ये ही प्रणता जो लोग इस ब्रह्म के शरणागत हो जाते हैं अपने स्वरूप के शरणागत हो जाते हैं स्वरूपाभिमुख हो जाते हैं तय करने का तात्पर्य तन्निष्ठा तिष्ठन्ति अर्थ ब्रह्म निष्ठ होकर रहते हैं उनका अविद्या तत्कार्य रूपा जो भय है उस भय को आचार्य उपदेश जनित बुद्धिवृत्ति फलक आरूढ़ ब्रह्म ही वह हंत्री हनन करने वाला बनता है ब्रह्म ही हनन करता है अविद्या को। कैसे आचार्योपदेश जनित जो बुद्धि ज्ञान आकार जो वृत्ति तत्फल आरूढ़ वृत्ति में जो आरूढ़ है निवृत्ति विच्छिन्न जो चैतन्य है फलक मैंने पट्टा तत्र प्रतिफलितम यद्वा फलकम फालम आयसो लांगलावयवम तद आरूढ़ो अनलो यथा दहादिकं करोति तद्वदित्यर्थः। पांच नंबर टिप्पण फलकारूढ़ वृत्ति फलकार वृत्ति रूपी फलक फलक मने होता है लकड़ी पट्टम तत्र प्रतिफलितम उस पर जो प्रतिफलित हो गया चैतन्य ऐसा वृत्ति रूपी जो लकड़ी है चिकना लकड़ी उस पर प्रतिम पड़ जाता है प्रतिफलित होता है वैसे वृत्ति पर वृत्ति रूपी एक फलक है उस पर प्रतिफलित चैतन्य रूपा ब्रह्म ही उस वृत्ति के कारण अविद्या को ही नष्ट कर देता है। और अथवा दूसरा फलकम कर दिया फलकम फालम में फलकम माने आयह लोहे का एक टुकड़ा उस पर जैसा आरूढ़ अग्नि आपको जला देता है उस वृत्ति पर आरूढ़ चैतन्य वृत्ति और वृत्ति के कारण होता है अविद्या को ही नष्ट कर देता है। इसलिए प्रणत भय निहंत्री ने जो शरणागत होते हैं उनका अविद्या रूप से जन जो भयाधिकारी है और उसके कारण अविद्या सहित तो सबको हंत्री हनन करने वाला कौन जो ब्रह्म उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। तो पूर्व पक्ष कह सकता है भाई जड़ है बुद्धिवृत्ति वस्तु सामर्थ्य मंत्री अज्ञानम सकार्यम अपने तुम अलम न अलम वस्तु के सामर्थ्य को स्वीकार की बिना अज्ञान और उसका कार्य संपूर्ण को नाश करने में समर्थ तो हो नहीं सकता क्योंकि वृत्ति से जड़ है ना बुद्धिवृत्ति जड़ वृत्ति है और अपने कारण को कैसे नष्ट कर देगा अकार्य का टिकेगा फिर खुद ही अपने कारण को नष्ट कर दे ये तो कैसा वसुंध उपसंध न्याय जैसे माननी पड़ेगी वृत्ति वृत्तियंत्र को नाश कर सकते हैं ना कारण को तो नाश नहीं करेगा सुंदो उपसंध न्याय भी शब्द शब्द को नष्ट करता है शब्द आकाश को थोड़ी नष्ट कर देगा इसीलिए असमर्थ है ये जब कहा तो बुद्धि धो बोधो बोधेद्दावा बुद्धि उक्तम फलम आददादित्यर्थः बुद्धि से इत है बोध
अतः बोध से युद्ध है बुद्धि, किसी प्रकार से ले सकते हैं, वही फलम आती यह अविद्या नाश का फल को प्रदान करता है, यह इसका अर्थ है। वस्तु सामर्थ्य चिद्रूपम सामर्थ्य अंतनिष्ठ अज्ञान तत्कार नाश अनुकूल आशक्ति ही, माने बिना जो हो नहीं सकता तो ऐसी बात नहीं है। बुद्धि में प्रतिफलित जो चैतन्य है, बुद्धि बोध मने बुद्धि प्रतिफलित जो चैतन्य रूपा ज्ञान, अथवा ज्ञान से दीप्त बुद्धि, तस्य ब्रह्मण संप्रति तटस्थ लक्षण विवक्षति, उसी ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताने के लिए पूर्वार्ध का पहला भाग है अजम पिचन योगम प्राप्तैश्वर्य योगात। अजम अपि यद्यपि जन्मादि सर्व क्रिया शून्य ये वस्तु रूपा ब्रह्म कूटस्थ है, तथापि फिर भी अज होता हुआ भी ऐश्वर्य योगात जन योगम प्राप्त, वह ऐश्वर्य योग से, ऐश्वर्य क्या तदीय शक्ति आत्मकेन जो अनिर्वचनीय माया, अज्ञान के वैभव से योगात आकाशादिकार रूपेण जन्म संबंधम प्राप्त, जन्म का संबंध को प्राप्त करके जगत का कारण बन जाता है, ऐसे श्रुतियों में भी लोक दृष्टिया व्यवहार भाग भवती व्यपदेश भाग भवती उपदेश दिया गया है, समझो। इसे श्रुति सूत्र सभी में ब्रह्मणा अज जगत कारणत्व प्रसिद्धम, जगत कारण नहीं है बात प्रसिद्ध हो गया, वास्तव में जगत कारण नहीं है लेकिन माया का योग से जगत कारण प्रसिद्ध हो गया। यदि खुद माया स्वयं उपादान कारण है, होते हुए वो ब्रह्म में उपादान कारणत्व का आरोप कर देता है और उसी के आधार पर हम लोग कह देते हैं ब्रह्म अभिनिमित्त उपादान कारण। यदि भी यह ब्रह्म कूटस्थ है और वह व्यापक है, विभू है, गति रहित है, हाँ? तथापि यथोक्त उस अज्ञान की महात्म्य से कार्य ब्रह्मता को प्राप्त करने पर गतिमत्ता को मान लिया गया, गंतव्यता बाधरधिकरण न्याय ने प्रतिपदते है, और गंतव्यता भी बाधरधिकरण एक न्याय है, ब्रह्म सूत्र में आएगा। कार्यम तो बाधरस्य गतिपत्ते है, नीचे सूत्र दिया टिप्पण नंबर 13। कार्यम ब्रह्म उपासक गम्यम, कार्य ब्रह्म ही उपासक द्वारा गम्य होता है, गंतव्य है कौन, कार्य ब्रह्म, गति विशिष्ट कर दिया आपने परिच्छिन्नत्वात् तस्य गंतव्यत्वम् उपपद्यते तेन परम ब्रह्म इति स्थितम् स्वयं बाधरधिकरण न्याय, इसी का नाम बाधरधिकरण न्याय। इसे इनका कहना है अगति वाला हो तो अभी अगति जगति मत्ताम प्राप्दे कम यनेकम, अगति स्वरूप हो तो भी उपाधि को लेकर के गतिमत्ता भी उस ब्रह्म में मान लिया जाता है, जैसे आकाश स्वयं गतिहीन है व्यापक होने के कारण से विभुत्वादेव गति रहित तो मानना पड़ेगा, नहीं तो गति वाला है तो विभु नहीं हो सकता, लेकिन घट भी उपाधि को लेकर के घटाकाश का गमनागमन का व्यवहार हो जाता है। घटम आने कहेंगे तो क्या होगा, घटाकाश आएगा ही, आप यही व्यवहार करें घटाकाशम आनय घटाकाशम नय घटे रसा घटाकाशम आने घट के सिद्ध घटाकाश को ले आओ, अब वहां घटाकाश का नयन आने व्यवहार हुआ उपाधि वशात, उसे ब्रह्म में भी गमनागमन के व्यवहार और कार्य ब्रह्म गंतव्य प्राप्तव्य है सत्यलोक में विद्यमान ब्रह्म, ऐसा जो व्यवहार होता है ये भी सब अज्ञान की वजह से, अविद्या की वजह से, माया की वजह से, समझो। इतना ही नहीं, यद्यपि यह ब्रह्म वस्तुतः निरस्त समस्त नानात्व वाला है, भेद है ही नहीं, एक रसम अद्वितीय है, उपनिषदों की तरह स्वीकार किया गया है, तथापि फिर भी जीवो जगत ईश्वरश्च इत्येतद् अनादि अनिर्वाच्य विद्यावशात् अनेकम् इव प्रतिभाति, फिर भी यह जीव जगत और ईश्वर ऐसा भेद विशिष्ट होकर के अनिर्वाच्य विद्या के वजह से अनेक के समान भाषित होता है, इसे कह दिया एकम यनेकम, एक होता हो भी अनेक रूप में भाषित हो गया। किनके दृष्टि में यह सब हुआ प्रश्न उठता है, वो अज होता हुआ जन्म का योग बन गया, उसमें भी उत्पत्ति हुई,
अगति वाला होता भी गतिमत्ता मान लिया गया, एक होता भी अनेक मान लिया गया, किनके दृष्टि में? विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणानाम। तीसरा पाठ, विविधाश्चते विषय धर्माश्च, विविधाश्चते विषय धर्माश्च तद ग्राहितया मुग्धम विपर्यस्तम विवेक विकलम वीक्षण येषाम तेषाम दृष्टिया ब्रह्मणो अनेकतु धीर नतु तत्वतः। कहते इसलिए देखो, ये जो अनेकत्व बुद्धि हुई है, विविधाश्चते विषय धर्माश्च, शब्दादि नाम सौंदर्यादि धर्म, शब्दादि बड़ा सुंदर बोल रहा है, बड़ी सुंदर बहुत सुंदर गा रहा है, रूप में भी बड़ा सुंदर रूप है, इत्यादि इत्यादि जो व्यवहार होता है शब्दादियों के अंदर, सौंदर्यादि धर्मों का व्यवहार। विविधाश्चते विषय धर्माश्च, विविधाश्चते विषय धर्माश्च, विविध होता हुआ अनेक होता हुआ, विषय धर्म क्या है? शब्द आदियों के सौंदर्य आदि रूपा धर्म, उनको ग्रहण करने होने से तद्ग्राही, उसी में आसक्ति पर ग्रहण करने की आदत वाला, ऐसे कौन है वो? मुग्धे क्षणानाम अविवेकी, मुग्धम विपर्यस्तम विवेक विकलाम विवेक रहित, ईक्षणाम दृष्टि येषाम ऐसा दृष्टि है जिनका, ऐसे अज्ञानियों का दृष्टि से ये बात कही जाती है, ब्रह्म एक होता हुआ अनेक हो गया, अगति वाला होता हुआ गति वाला हो गया, और आज होता हुआ उत्पत्ति आदि वाला हो गया, व्यवहार हो गया। और शांत दृष्टि है तो, और जिनकी शांत दृष्टि विवेक दृष्टि वाला है तो तस्मिन एकत्व में प्रामाणिक, एकत्व ही प्रामाणिक है, उसका अनेकत्व भाषित ही नहीं होगा। इत्यर्थः इस प्रकार पाला मंगलाचरण पूरा होता है। संप्रति ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रश्न पूर्वगाम, यहां पर एक विलक्षणता देखना है। ये तीन कार्य का जो श्लोक बना है मंगलाचरण, पहले श्लोक में कहे केवल ये तन्नतोस्मि, जो ब्रह्म है उसको नमस्कार करता, इतना ही कह दिया। और दूसरे श्लोक में जब दादा गुरु को प्रणाम करना होता है तब लगता है कि दादा गुरु जिंदे नहीं है और इन्हें देखा नहीं है उनको, इसलिए कहते हैं पाद पातेर नतोस्मि, साष्टांग प्रणाम कर देता हूं। और जब जिंदे हैं ना गुरु, उनको देख करके उनको पे प्रणाम करना होता है तीसरे में, सर्वभावैर नमस्ते, कितना अंतर कर दिया, तत्व को केवल नमस्कार। दादा गुरु जिनको शरीर नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा, कुछ नहीं मालूम था, उनको भी फिर भी याद करके हम लोग साष्टांग प्रणाम कर लेंगे। लेकिन जो गुरु ने साक्षात उपदेश दिया उनके लिए काया वाचा मनसा भी सर्वभाव है, हृदय से प्रणाम, हृदय से समर्पण पूर्ण रूपेण, उसको सर्वभाव एर करके आगे कहने वाले हैं। ये तीनों नतोसी में अंतर ध्यान रखना है, तीनों नमस्कार ही है यहाँ, इन तीनों नमस्कारों में विलक्षणता है। पहले ऐसा लगता है वाणी से कह दे के नमस्कार है, दूसरे शरीर से वाक काय, और लेकिन तीसरे में मन से भी, हृदय से। इसे कहते ना हृदय में, गुरु का हृदय में स्थान बना लेना बहुत बड़ा काम है, और गुरु को अपने हृदय में बैठा लेना ये भी बहुत बड़ा काम, दोनों ही आसान नहीं, दोनों कठिन काम है। और आप भले अपने हृदय में गुरु को बिठा भी लें, इन गुरु के हृदय में अपना स्थान बना के नहीं बना, ये निश्चय करना मुश्किल है। और जिसका जो है भक्ति श्रद्धा विश्वास प्रेम सेवा सब इस प्रकार की है कि वह गुरु हृदय में अपने को बिठा लिया, फिर तो समझ लो शिष्य का उद्धार हो गया, क्योंकि गुरु हृदय में बिठाने में अभेद मान लिया उसने, अपने से अभेद कर लेना ही हृदय बिठा लेना। जहाँ गुरु ने अपने से अभेद कर लिया तो चेला गुरु ही हो गया, चेला कहा रह गया मतलब ब्रह्म हो गया। लोग सब अपने अपने हृदय में गुरु को बिठाते हैं, लेकिन गुरु के हृदय में अपने को बैठाने का प्रयास कोई कोई करता है, आसान नहीं है ना, कठिन काम है, दोनों ही कठिन है। जिंदा गुरु से इसलिए कोई आचार्य चाहता ही नहीं जिंदा गुरु को, तो मरे के नाम पर स्नेह दीक्षा लेते हैं, जिनको न देखा रहे न सकल है न कुछ पता है,
किसी के भी नाम पे ले लेते हैं, झंझट नहीं रहेगा ना, ना सेवा करना है ना रहना है, ना कुछ सुनना पड़ेगा ना सुनाना पड़ेगा, कोई लफड़ा ही नहीं, वही ठीक है समझ गया। लेकिन वो नहीं सोचते, लेकिन आचार्य शंकर यहाँ बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति जिसको आपने देखा ही नहीं उसके नाम पर दीक्षा लेके भले उसको गुरु मान लो, तो उसके हृदय में आप वास कैसे कर पाएंगे? उनको प्रसन्न करके इस तरह से अध्ययन के द्वारा प्रसन्न, सेवा के द्वारा प्रसन्न, हर तरह से प्रसन्न करके उनसे अभेदत्व को कैसे प्राप्त करोगे? तो मर गए हैं उनके साथ, वो तो असंभव है। फिर ऐसे गुरु बना के फायदा है क्या हुआ? उसकी कृपा कैसे यहाँ पर करुणा शब्द प्रयोग लाएंगे? इसलिए सब भाषा का वो सब कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसे ग्रंथ प्रणयन का प्रयोजन को दिखाते हुए परम गुरु जो आगम शास्त्र का व्याख्याता और प्रणेता इस परंपरा का अजातवाद की, उनके द्वारा व्यवस्थितान प्रणयमति, उनके व्यवस्थितों को प्रणाम कर रहे हैं परम गुरु को, गोविंद पाद आचार्य गुरु है, गौड़ पाद आचार्य परम गुरु है, तत्व तो ब्रह्म। इन्हें पहला मंगलाचरण से तत्व को प्रणाम किया और दूसरे से परम गुरु गौड़ पाद आचार्य को प्रणाम करने जा रहे। प्रज्ञा वैशाख वेद क्षिप्त जल निधेर वेद नाम भूतान्यालोक्य मग्नान्य विरत जनन ग्राह गौरे समुद्रे कारुण्यादुद्धारामृतमिदं अमरैर् दुर्लभं भूतहेतोर् यस्तं पूज्याभिपूज्यं परम गुरु ममुं पादपातैर्नतोऽस्मि। परम गुरु ममुं पादपातैर्नतोऽस्मि। यह जो परम गुरु है इनके चरणों में स्वयं सर्वसाष्टांग प्रणाम मैं कर लेता हूं। कैसे हैं वो परम गुरु? उन्हें प्रणाम क्यों करना चाहते हो ये बताओ। तब कहते बात ऐसा है, यह जो जो व्यक्ति कैसा है, कहते हैं अमरैर दुर्लभम भूत हेतो हो कारुण्यादुद्धार अमृतम इदम। जिनने क्या किया, पहले उत्तरार्ध लेनी पड़ती है, बाद में पूर्वार्ध घटाएंगे। क्यों वो किया, क्यों करुणा की इन जीवों के ऊपर? क्या जीवों के हाथ बहुत खराब थी, इन पर दया करना जरूरी पड़ गया? तब जीवों का हाल पूर्वार्ध बताएंगे, संसार सागर कैसा है, कैसे डूबे पड़े हैं सभी के सभी। पहले इसलिए उत्तरार्ध देते, यह जो पुरुष क्या किए हैं, अमरैर दुर्लभम इदम अमृतम भूत हेतु उद्धार, जिन्होंने अमर मने देवताओं के लिए भी दुर्लभ ऐसा हुआ यह जो अमृत है, भूतों के ऊपर उनकी दया के कारण से करुणा करते हुए उद्धार उद्धृत किया है सकल उपनिषदों में से, उपनिषद रूपी समुद्र को मंथन करके निकाल करके आजाद पाद रूपी मांडवी कार्य का 215 कार्य कर भी अमृत को आपके हाथ में दे दिया है। यही हुआ ना, जब परीक्षित को सुखदेव महाराज सुनाने के लिए तैयार हुए आए, केवल सुनाना शुरू भी नहीं किए, पता लग गया देवताओं को सब, ओहो तो गड़बड़ हो रहा है, सब देवता है दौड़े 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 गंदर छिन्ना कन्न सब आकर के अमृत कलश दे दिया और कहा कि भगवान आप ये अमृत इस परीक्षित को पिला दीजिए, ये भी हमारे जैसे अमर देवता हो जाएगा और आप इसे दो जना चाह रहे कथा अमृत वो हमें दे दीजिए। आज ने कहा अच्छा बनियागिरी कर रहा है, तो है देवताओं पर नाराज हो गए, एक तरह सुखदेव भगा दे, भगा यहां से तुम लोग अधिकारी नहीं हो कथा अमृत। वह कथामृतम को इदम अमृतम, कहा कथामृत कहा ये अमृत तुम्हारी भौतिक जो मंथन से निकाला हो, क्योंकि यह अमृत आपको सापेक्ष नित्यता को प्रदान करता है और कथामृत निरपेक्ष नित्यता को मोक्ष प्राप्त कराता है। वही है जो कथामृत वहां बताई गई है कि ब्रह्म स्थिति रीति कथा, ब्रह्म स्थिति को प्रदान करने वाला वही कथामृत है, वही यहां पर मांडू के कार्य का है या नहीं? इसलिए इस अमृत को इन्होंने निकाल के दिया हमें,
कौन से समुद्र से? उपनिषद रूपी समुद्र से निकाल के दे दिया। भूतों के ऊपर कृपा करते हुए भूत हेतो कारुण्यावृतदार इदम अमृतम अमरीरवि दुर्लभम तम पूज्याभिपूज्यम, ऐसा जो वे पूज्यों में भी अति पूज्य अतिशयन पूज्य परम गुरु अमुम, यह जो परम गुरु है हमारे उनको पाद पात गिरन तो सी उनके चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम करके मैं प्रणाम करता हूं। महाराज भूतों पर कृपा क्यों करना चाहते, क्यों करुणा कर रहे इन पर? भूतो उपकार अर्थ भूत है तो भूतों के ऊपर उपकार क्यों करना चाहते करुणा से? तब कहते क्या करूं, ये ऐसे समुद्र में पड़े हैं जिनका बड़ा बुरा हाल है। प्रज्ञा वैशाख वेद क्षिप्त जल निधेर वेदनाम्नोंतरस्थम भूतान्यालोक्य मग्नानी अविरत जनन ग्रह घोरे समुद्र। कैसे ही जीव भूतानी आलोक्य, इन भूतों को उन्होंने देखा, जिन भूतों पर कृपा करने के उन्होंने किया उन भूतों को उन्होंने देखा, कहां देखा? मग्नानी डूबे हुए देखा। कहां डूबे हुए इन लोगों को देखा? कहते हैं अविरत जनन ग्रह घोरे समुद्र, ऐसा समुद्र है अविरत जन निरंतर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम भयंकर चक्र रूपी ग्राह मगर गमच के घोरे भयंकर उस समुद्र में विशिष्ट उस समुद्र में और डूबा हुआ इन लोगों को देखा। देखकर उन्हें क्या किया? प्रज्ञा वैशाख वेद क्षिभित मेधा सहित प्रज्ञा व वैशाख, वैशाख का तो डंडे को मथनी का दंड जो होता है ना उसको कहते हैं वैशाख। वैशाख महीना नहीं लेना कि विशाख नक्षत्र में जो होने वाला, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। यहाँ वैशाख दंड, दंड जो मथनी का दंड होता है इसको वैशाख कहते हैं। दही को मंथन करते हैं जो दंड होता है उसको वैशाख। उसको क्या किया आपने? उपरिचित समुद्र में डाल दिया। जैसे क्या किए थे उस क्षीर समुद्र में? कौन से पर्वत को डाल दिया था? मंदराचल भी बोलते हैं ना उसको, मंदराचल, मंदराचल पर्वत। तो इसी तरह से यहां पर भी क्या कर रहे हैं? प्रज्ञा रूपी वैशाख को डाल दिया उपनिषद रूपी समुद्र में। उपनिषद रूपी समुद्र में प्रज्ञा रूपी मंत्र को डाल दिया, वेद हमने डालना और उसे क्षिभित कर दिया, विलोड़ित कर दी पूरा उपनिषद रूपी समुद्र को। विलोड़न किया तो जलनिधिर वेदनामा, वेदनामा जलनिधि, जलनिधि नामना अंतरस्थम, उसके भीतर में अंतरे अभ्यंतर में जो स्थित है ऐसे महान अजातवाद रूपी अमृत को निकाल कर उद्धार, ऐसा अनुभव कर देना। इदम अमृतम उद्धार टीका कर कर यो ही कारुण्यात इदम ज्ञानाख्यम अमृतम भूत हेतो तदुपकारार्थम उद्धार। जो परम गुरुदेव करुणा से इस ज्ञान रूप अमृत को भूतों पर उपकार करने के लिए उद्धार निकाला है, तम परम गुरु नतोस्मिति संबंध, उस परम गुरु को हम नमस्कार करते हैं, ऐसा हमें करना चाहिए जिन्होंने प्रकट किया। अमुमिति तस्य पुरोदेशे सन्निहितत्वेन अप्रोक्षत्वं सूचितम्। अमुम कैसे कह दिया अधशब्द का रूप? कहते हैं ऐसा लग रहा है भले ही दादा गुरु नहीं है ऐसा शरीर, किंतु ब्रह्म रूपेण स्वाभिन्न नहीं है ना, इसे मानो सामने खड़े हुए के समान, पुरोदेश सामने खड़े हो और वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हो, ऐसे भावना से किया जा रहा है। सनित्य तुना अप्रोक्षत्वम सूचितम, अप्रोक्षता यहां सूचित किया गया है। अमुम पुरा पश्यसि देवदारु मित्ये अधः शब्द से अप्रोक्षार्थत्वं दृष्टम, उस दृष्टिकोण से तच्चन समनाधिकरणत्वाद अत्र तस्य अपरिक्षि अपरोक्षार्थत्वम इति भावः। नौ नंबर टिप्पण परम गुरुत्वं पूज्यनापि गुरुणां अतिशयेन पूज्यत्वाद् आचार्य स समुद्गतम इत्याह। गुरुओं में भी अतिशयेन पूज्य हो वही वास्तव में आचार्य होता है, समुद्गतम इत्याह निश्चितम, यह निश्चित। गुरु अनेक हो सकते हैं,
लेकिन आचार्य उनमें से कोई एक ही होगा जो विलक्षण है। नमस्कार प्रक्रिया प्रकटित पाद पात्र पादौ तदियो पादौ तयो स्वकीयस्य उत्तमांगस्य पाता भूयो भूयो नम्री भावा तैर्दियावत। उनके चरणों में अपना जो उत्तमांग क्या है सिर, उस सिर को रख देना, बारंबार उठना फिर रखना, उठना फिर रखना, ऐसे बारंबार साष्टांग प्रणाम करना, तद्वारा मैं उनको नमस्कार करता हूँ। आचार्य ज्ञानाख्यम अमृतम कथम भूतम उद्धृतवान, आचार्य ज्ञान रूप है समृद्ध को क्यों कर उद्धृत किए, प्रकट किए और कहाँ से किए, ये सब वर्णन करने के लिए कस्यंत्रस्तान इति वक्षाय महावेदे थी। कैसे कहते मेधा सहित प्रज्ञेव वैशाखो, देखो मेधा सहित जो प्रज्ञा है उसी का नाम वैशाख माने मंत, मंतदंड। मेधा सहित प्रज्ञा ऐसे क्या क्यों कहा, प्रज्ञे वैशाख क्यों नहीं कह रहे हैं आप, मेधा सहित क्यों कहा। त्यक्त विशेषांश मेधा शब्दार्थ, त्यक्त विशेष अंश को कहते हैं मेधा शब्द से, यह धारण शक्ति तत्सहिता प्रज्ञा, कहने का मतलब धारणा शक्ति सहित प्रज्ञा मेधा से तात्पर्य, क्यों मेधा प्रज्ञा लोग पर्यायवाची होते हैं, इसलिए कहते हैं विशेषांश को त्याग कर करो धारणा शक्ति मात्र लेना मेधा शब्द से, तद विशिष्ट प्रज्ञा मैंने प्रतिभाशाली धीर इति भाव, प्रतिभाशाली बुद्धि, उसको आपने वेद रूपी समुद्र में डाल दिया है। वेदा मैंने वेदनम क्षेपण फेंक देना डाल देना, तेन क्षुभितो विलोड़ितो, उससे क्षुभित मैंने विलोड़ित, उससे आपने मंथन किया विलो दिया, तब जल निधे, कौन सी जल निधि में समुद्र में वेदनामा, वेदनामक समुद्र में अपना बुद्धि धृति शक्ति विशिष्ट बुद्धि को डाल करके, वो प्रतिभा के शक्तिशाली बुद्धि को डाल करके मंथन किया, तब उस वेद के मंथन से उस वेद के भीतर अभ्यंतरे स्थितम, अभ्यंतर भीतर में छिपा पड़ा हुआ ये जो चीज था क्या, इदम अमृतम अजातवाद रूपी ये जो महान अमृत है ज्ञानामृत है, इस ज्ञानामृत उन्होंने निकाल के हम लोगों को दे दिया। उक्त से ज्ञानामृत प्रसिद्धात् अमृतात् अवांतर वैषम्यम् आदर्शति, उक्त ये जो ज्ञानामृत है और प्रसिद्ध जो अमृत है ना जो देवताओं ने जो पिया था उससे अत्यंत विलक्षण है, दिखाने के लिए ये कहा दुर्लभ अमरैरपि दुर्लभम, ये कहना पड़ा। यद्यपि भगवता नारायण क्षीर सागरांतरावस्थित अमृतम सुभद्रम तदेव कथंचित अमरालेभिरे, कि भगवान नारायण के द्वारा क्षीर समुद्र के भीतर में अवस्थित अमृत को किसी प्रकार से धारण कर दिया, वही मान लो किसी प्रकार से एक देवताओं को प्राप्त हुआ, और इस कल्प पर्यंत कुछ लोग इस मन्वंतर पर्यंत है ना तक जिंदे रहने का उनको सामर्थ्य मिल गया, बस बाद में मरना उन्हें भी है तब भी। इदंत तरी अनायास लभ्यम न भवति, लेकिन ये उस प्रकार से अनायास लभ्य नहीं, यदि वो अनायास लभ्य बोल रहे उसे बहुत आयास हुआ, राक्षस और में समझौता किया गया हम दोनों जो है मिल करके मंथन करेंगे, और वासुकी नाग को लाया, क्या क्या किया ड्रामाबाजी, कितनी आयास हुई उसमें, और हर रत्न को इधर उधर बांटते फिर आपस में राक्षस को ठग ठग करके, और अंत में अमृत भी एक एक बूंद भी नहीं पिलाया, बड़ा मुश्किल से राहु ने छल कपट पर प्राप्त कर लिया, उसे भी गर्दन काट दी, गर्दन अलग कर दे, शरीर को अलग बना दिया, लेकिन इस ज्ञानामृत की अपेक्षा से वो भी अनायास लभ्य कह दिया, इतना महान आयास लभ्य को भी अनायास लभ्य मान रहे हैं, क्योंकि ज्ञानामृत मिलना परम अनायासता है, लोक दृष्टिया शब्दार्थ दृष्टिया महान अनायास है, आयास है नहीं, किसको नहीं मिल रहा है मांडकी ज्ञान इस समय, सबको मिल रहा है, लेकिन वास्तव में ज्ञानामृत पी भी ले राहु जैसे गर्दन कटा रह जाएगा, पचेगा ही नहीं, वो अमृत इतरासन से पचेगा नहीं, पचने के लिए बात कहा जा रहा है, यह अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कठिन है,
ज्ञान सामग्री संपन्न रेव लभ्यत्वा, कहने का तात्पर्य ज्ञान सामग्री से संपन्न लोगों के द्वारा ही अलभ्य, इसलिए यह आसानी से लभ्य नहीं है, यही इसका तात्पर्य। यदि कारुण्यम अमृतम आचार्येण वेदोधदेर भूतोपकारार्थ उद्धृतम, करुणा से इस अमृत को आचार्य के द्वारा वेद समुद्र का मंथन करके भूतों को उपकार के लिए प्रकट किया गया, कदम तरी कारुण्यम तस्य प्रदर्भूत, और इन भूतों के प्रति उनमें करुणा कैसे आ गई। तदयोयम समुद्र दुरुत्ता संसार, वह समुद्र के समान तर जाना बड़ा कठिन है, ऐसे संसार है। तस्मिन उसी में अविरतम अनवरतम संततम एव निरंतर यानि जननानि विग्रह भेद ग्रहणानि तानि एव ग्राह, जिसमें जन्म मरण के चक्र से अनेक प्रकार शरीर भेदों ग्रहण कर रहे हैं। कभी कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा सब 84 लाख योनि घूम करके यहाँ तक आए हुए हैं, ये ऐसे ही देख करके बड़ी दया आई उनको। वे ग्राह ग्राह के समान ग्राह जलचराह मगरमच्छ आदि के समान घोरे क्रूरे भयंकरे, ऐसे भयंकर समुद्र में मग्नानी भग्न संकल्पा डूबे हुए का मतलब क्या, ऐसे हैं कि एक भी संकल्प ठीक से पूरा नहीं होता, भग्न संकल्प वाले हैं। परवशानी भूतानी, कहने का मतलब परवश ये भूत है, सब भूत परवश पड़े हुए हैं। भग्न तत्साधनी भूत से ज्ञान से दुस्साध्यतया विहत संसारोत्तरण संकल्प, संसार से तर जाने का संकल्प जिनका हनन हो गया, क्योंकि ज्ञान इनके लिए दुस्साध्य हो गया है। तान साधन दुर्लभ्यात, क्योंकि इसलिए लग रहा है इन जीवों को असली साधन दुर्लभ हो गया है, ऐसे सोच बड़ा निराशा को प्राप्त हुए थे जीव, इसे देख करके करुणा आ गई उन्हें, ऐसे घटाना। भूतानि उपलभ्य कारण मात्र से प्रादुरासीत ततश्चेदम अमृतम उद्धृत्य भूतेभ्यो दत्त्वा तानि रक्षितवान् इत्यर्थः, इस प्रकार से उन्होंने इन उपनिषदों से निकाल कर अजातवाद को इन भूतों को देख करके इन सब की रक्षा कर दिया, और अब ये भूत सब अमर देवताओं से भी महान अमरता को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करके मांडवी कार्य को पढ़ पढ़ करके। अथाधुना स्वगुरु भक्ते विद्या प्राप्त अंतरंग तमंगीकृत, आप कहते देखो स्वगुरु की जो भक्ति है विद्या प्राप्ति का अंतरंग साधन है, इस बात को स्वीकार करते हुए तदीय पाद सरसी रुह युगलम प्रणमति, उनके चरण कमल युगल को प्रणाम करते हुए कह रही है। प्रज्ञालोक भाषा प्रतिहति मगमत शांत मोहांधकारो मज्जोन्मज्जच्च घोरे हसकृत उपजनो दन्वति उत्रासने मे यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशम विनया प्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभय विनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये। 11-10, 11-21 अक्षरों का एक एक पाद है यहाँ पर। पहले आप तत्पादौ अंतिम पाद को पहले लेना पड़ेगा श्लोक का। तत्पादौ पावनीयौ भव भय विनुदौ, देखो आ गया ना, वो भी क्या था ब्रह्म प्रणत भय निहंत्री, भाषा क्या प्रयोग किए थे, जो शरणागत हो जावे उनका भय को दूर करने वाला, ऐसे यहां भव भय विनुदौ संसार में भय को नष्ट कर देने वाले, ऐसे है चरण कमल जो दो युगल जिनका, उनको सर्वभावैर नमस्य सकल भाव के द्वारा मैं उनका नमस्कार करता हूँ। सर्वभावैर, यहाँ देखिए अंतर हो गया ना, पहले पाद पात ही उससे भी पहले वाला केवल दोषमी, और यहाँ सर्वभावैर नमस्य नमो वरिवश्चित्रंग खच इत्येतर द्वंद्वान्त श्रुतस्य अनुबंधस्य वक्षावशादेव प्रत्येकं संबंध विगमाद आत्मने पदम अविरुद्धम इत्यवधेयम्। नमस्य आकरण कैसे हो गया, उस पर यह बात टिप्पण करने का, उसमें व्याकरण का सूत्र भी दे दिए हैं, जिस सूत्र के आधार पर यहाँ जो आत्मपद होना कोई गलत नहीं है। तत्पादौ मने तेषां पादौ, तेषां मने अश्रुत गुरुणां पादौ इति तत्पादौ समास। सर्वभावैर मने वांग मनो देहानां प्रविभावैर नमस्य, वाणी शरीर मन सब प्रकार
प्रविभावैर नमस्ते। अत्यंत विनम्र होकर के पूर्ण समर्पण के द्वारा मैं नमस्कार करता हूं। प्रविभाव नम्र भवामी इति संबंध, नम्र भाव को प्राप्त हो जाता। ज्ञान प्राप्त से पहले कुछ उद्दंड था और अब नम्र हो गया। इसे अनम्र पूर्वम इदानीम नम्री भवामी इत्यर्थः। अनम्र को नम्र होने का नाम ही तो छवी प्रत्यय होता है ना, अभूत तद्भाव छवी। अशुक्लम शुक्लम करोति इति शुक्ली करोति इति दृष्टांत आपने पढ़ा। से नम्री भवामी इति संबंधः। तौच जगत सर्वस्यापि पावर्यो, संपूर्ण जगत का ही पवित्र कर देने वाला है। पवित्र दिया पवित्र तुम आपाद्य निर्वृणाति निर्वृणाति। पवित्रता का आपादन करके कैसे पवित्र करते हैं वो, मैंने पवित्रता का आपादन करके सुख प्रदान करने वाले। जैसे अग्नि क्या करता है, कुछ भी चीज डालो उसके सारा मल को जला के नष्ट करके पवित्र कर, इसलिए अग्नि का नाम ही पावक है। जैसे अग्नि वस्तु में मल को निकाल के शुद्ध कर देता है, यानी उसी प्रकार से गुरु चरण कमल भी जो शरणागत जीव है उनके अंतकरणस्थ मल को दूर करके पवित्र करने वाले होने के कारण से उसको ये पावन योग कहते हैं। तौच स्व संबंधी नाम सर्वेशां भव संसार, इसलिए वह क्या करते हैं विचरण, उन चरणों से संबद्ध जो कोई भी शिष्य है उनका जो भव है संसार है, तत्प्रयुक्तम भयम, उसे जो भय स्व कारण सह, अब भय का कारण क्या है, अविद्या के सहित अपनुद्य नष्ट कर देता है। पुरुषार्थ परिसमाप्तिम कुर्वाते, अर्थात पर पुरुषार्थ मोक्ष प्रदान कर देते हैं, यह समझना चाहिए। पुरुषार्थ के प्रसन्न होते हैं, पुरुषाभीष्ट परिपूर्णता कोई प्राप्त करा देता है। ताने वो गुरु विशेषती, वही गुरु और कैसे हैं, तो पहला पाद लेना, यत प्रज्ञा लोक भाषा प्रतिहति मगमत शांत मोहांधकारो। जिनकी कृपा से क्या हुआ, मैं मने मम, मैं को पहले ले लो, मैं मने मम है ना, दूसरे पाद का अंतिम शब्द है मैं, श्लोक का दूसरे पाद के अंतिम शब्द मैं। उत्तरार्ध का दूसरा पाद ले लिया, उत्तरार्ध का दूसरा पाद पहले ले लिया और उसके बाद में द्वितीय पाद का अंतिम पद मे को ले लिया, मैं मने मम। शांत मोहांधकारो, शांत मोहांधकारो है ना, उसको लो। शांत मने अंतकरण, तस्मिन मोह व्याकुलता हेतु अविवेका, तस्य कारणं यद अनादि अज्ञानं तदेषां प्रज्ञैवालोकः तस्य भा दीप्ति। वह अज्ञान नष्ट हुआ, कैसे नष्ट हुआ, जिनकी प्रज्ञा रूपी आलोक से, गुरु का प्रज्ञा रूपी प्रकाश किसे, तस्य भा उस प्रकाश का भी जो प्रभा से दीप्ति से, तया प्रतिहतिम विनाशम अगमत, मेरा अंतकरण द्वन अंधकार नष्ट हो गया। गतवत् तत्पादो इति संबंधः, जिनकी प्रज्ञा रूपी प्रकाश का प्रभा से ही मेरे अंतकरण का घोर अंधकार, मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधकार, मोह कारण अज्ञान रूपी अंधकार भी क्या हुआ, प्रतिहतम अगमत, प्रतिहतम अगमत मैंने विनाश को प्राप्त कर गया। न केवल अज्ञानमेव आचार्य प्रसादात अपगच्छत्, केवल अज्ञान ही मेरा नष्ट हो गया आचार्य की कृपा से, ऐसी बात नहीं। तुच्छी भवति माने तुच्छ हो गया, इतना ही नहीं, किंतु तत् कार्यम अनर्थ जातम अपि कारण निवृत्तो स्थितिम अलभमानम आभासी भवति इत्यर्थ। लेकिन उस अज्ञान का जो कार्य था अनर्थ समूह, वह कारण निवृत्त होने से वह स्थिति प्राप्त नहीं हो पाए, तो आभास भाव को प्राप्त कर गए। इस बात को समझे, मज्जोन्मज्जच्च घोरे हृतुपजनोदन्वति त्रासने में असकृत, मैंने एक बार में अनेक बार अनेक अशह देव तिरंगादि योनि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ, यो अयम उपजनो, वह यह जो जन्म हुआ है नाना देव भेद संग्रह हुआ है, असो एव उदनवान उदधी, यही समुद्र के समान समुद्र था, 84 लाख योनियों में अनेक जन्म रूपी जो जन्म है भटकना, यही समुद्र के समान समुद्र है।
कैसा है वो समुद्र? अति त्रासने, घोरे भयावह, अत्यंत त्रास देने वाला, भयंकर कष्ट देने वाला, घोर मैंने भयावह भी है वो। कदाचित उत्तम अज्ञान का रूपेण मज्जत, और कदाचित इस अज्ञान रूप को क्या करता है, कार रूप से हमें डुबाते रहता है। अनिव्यक्तम अवतिष्ठते, ऐसे लगता है स्वरूप अभिव्यक्त कभी हुआ ही नहीं, आत्म प्रकाश का भान ही नहीं होता, हमेशा हमें बाह्य प्रकाश आदि करके व्यवहार करने का ये आदि हो गए हम लोग। ये जो स्थिति आ गई, तदेव अवस्था विशेष है तद रूपेण उन्मज्जत, उस रूप से हम लोग डुबकी लगा रहे बारंबार। अभिव्यक्तम अनर्थ करम, इस तरह से अनर्थ करता अभिव्यक्त है। ऐसा तुम अति क्रूरे संसार सागरे, ऐसा अत्यंत क्रूर संसार सागर में परिवर्तमान अज्ञानम, परिवर्तमान अज्ञान सकार्य आचार्य प्रसाद अपनीतम आसीदित्यर्थ, कार्य सहित आचार्य कृपा से नष्ट हो गया, यह इसका तात्पर्य है। न केवल एकस्य ममैव, केवल मेरा कि मैं कह देना आपने, ऐसा लगता है मांडविकारिका से केवल आचार्य शंकर की अंधकार नष्ट हुई, अज्ञान नष्ट हुआ, मेरा अज्ञान नष्ट हुआ, मैंने मुझ आचार्य शंकर का ही केवल अज्ञान नष्ट हुआ, अन्य किसी का अज्ञान न नष्ट हुआ न होगा, ऐसा कोई कल्पना कर सकता है? तब कहते कि ना, ऐसा मत सोचो भाई, न केवल एकस्य ममैव एतद् फल प्राप्ति आचार्य प्रसादात् आविर्भूत, किंतु तच्चरण परिचर्या परायणानाम अन्येषाम् भूयसाम् इत्या, किंतु उनके चरण की सेवा करके उनमें शरणागत हुए अन्य भी बहुत सारे शिष्यों का और इस परंपरा में आए हुए समस्त शिष्यों का भी जो है उद्धार हो गया। ऐसा येषां गुरुणां पादद्वयम् आश्रितानां, अब तीसरे पाद यत् पादावाश्रितानां श्रुति शम विनय प्राप्तिरग्राह्य मोघा, ये तीसरा पाद है उसको अंत में ले रहे हैं। जिन गुरुओं के पाद द्वयम् चरण युगल द्वय को आश्रितानाम, आश्रित जो अन्येषाम् अपि शिष्याणाम् आगे ना, अन्य जो शिष्य लोग है तदीय शुश्रूषा प्रणयी मनीषा जुषाना, उनकी सेवा, उनको शरणागत होना, उनको प्रणाम होना, उनके सामने जो है नम्र भाव हो जाना इत्यादि के द्वारा ऐसी बुद्धि की सेवा करते हुए श्रुति मण ध्यान सकृतम, केवल श्रवण नहीं, श्रुति से क्या लेना, मन ध्यान से जो श्रवण ज्ञानम, शम शांति इंद्रियोपरति, विनयो अवनतिर अनौद्धत्यम तेषा प्राप्ति, ये सारी चीज की प्राप्ति हो गई। मन ध्यान से श्रवण ज्ञान प्राप्त हुआ और अंतर इंद्रियों को उपराम प्राप्त हुआ, बहिरिंद्रियों का विनय भाव ज्ञान से अवनति और उद्दंडता आदि से रहित हो गए, इन सब की प्राप्ति ही अग्रिया श्रेष्ठता प्रतिष्ठता सिद्धति, उसके द्वारा हम श्रेष्ठता को प्राप्त हो गए। फल पर्यंत स्थायिनी भवती त्यर्थ, क्योंकि वो कैसे थे यशमान, ये सब अमोघा मैंने मोह रहित है, नित्य फल कहने का सफल श्रवणादि नाम प्राप्ति, सफल श्रवणादि की प्राप्ति हुई, निष्फल श्रवणादि नहीं हुआ, तस्माद् अग्रत्वं तस्यां संभाव्यते, इसलिए उनमें श्रेष्ठत्व संभव है। तदेव आचार्य प्रसादात् आत्मनो अन्येषां च, इस प्रकार से जो है आचार्य की कृपा से स्वयं का और अन्य शिष्यों का भी बहुनाम पुरुषार्थ प्रसन्नात् संभवात्, बहुत लोगों की पर पुरुष पुरुषार्थ की प्राप्ति संभव है, इसलिए आचार्य परिचरणम पुरुषार्थ कामैर आचरणीयम इत्यर्थः, इसे कहने का पूरा निचोड़ यह है, आचार्य की सेवा आदि पुरुषार्थ की कामना रखने वाला परम पुरुषार्थ कामना रखने वालों को अवश्य ही करना चाहिए, इस तात्पर्य से बात कह दिया गया है। इस प्रकार से श्री गोविंद भगवत पुच्छपाल शिष्य से परम सप्रभराज का आचार्य से श्री शंकर भगवत कृत गौड़पादी आगम शास्त्र विवरणे अलाद शांत्याख्यम चतुर्थ प्रकरणम समाप्तम, इस तरह से इसका भी समाप्ति हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पशेमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्वशेम देवहितञ्जदाय स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विषवेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।